ने मात्रम सत्ता का टेम्परेचर देख रहे हैं आप आपके साथ में हूं सांची त्यागी लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया है और इस बीच राज्यसभा में कुछ ही देर में यह बिल पेश होना है लोकसभा में बिल को बिना चर्चा के ही मंजूरी दे दी गई हालांकि विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया लेकिन बिल वापसी के बाद किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी क्या अब दिल्ली के बॉर्डर खाली होंगे या नहीं यह बड़ा सवाल है संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून वापसी बिल को पेश कर दिया विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच लोकसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित हो गया बिल को बिना चर्चा के ही मंजूरी मिल गई तीनों विवादित कृषि कानून को निरस्त करने के लिए लोकसभा में पेश विधेयक पटल पर रखे जाने के कुछ ही मिनटों में यह पारित हो गया हालांकि लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीरंजन चौधरी ने सदन में विधेयक पर चर्चा की मांग की थी लोकसभा में पारित होने के बाद अब कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 को राज्यसभा में पेश किया जाना है बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को अभी दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है लोकसभा में स्थगित बिल पास हो गया है और अब राज्यसभा में इसको पेश किया जाना है है। लेकिन किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी इस पर खुले तौर पर चर्चा हो रही है गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने नेटवर्क इस बीच खास बातचीत की जहां राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार एमएसपी पर लिखित गारंटी नहीं देगी और किसानों की प्रमुख मांगों को नहीं मान लेती है तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी साथ बात करने के लिए किसान नेता राकेश टिकेतन इनसे बात करेंगे सर देखिए आज संसद की प्रक्रिया आज से चालू हो चुकी है आज पहला दिन है क्या प्रक्रिया आपके वो वापसी हो जाएंगे लेकिन और भी किसानों के मामले हैं उस पर भी भारत सरकार एक बार बैठ कर बातचीत कर ले इसको समाधान की तरफ लेकर चले राकेश जी अब किस तरह का असमंजस है क्योंकि अब तो आपके जो मांगे थी उसमें आपका मेन मांग थी तीनों कृषि कानून वाप, वापस ले जाए तो प्रस्ताव से बड़ी बीमारी थी वो पहले बड़ी बीमारी फिर उससे छोटी बीमारियां हैं भी है।, और कितनी है बहुत बीमारी है कौन कौन सी बताएंगे एमएसपी का है ये जो सीड बिल लेकर आना चाहते हैं बहुत से बिल हाउस में रखे हुए हैं वो भी है फसलों का लाभकारी मूल्य है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है जो ने अपने घोषणा पत्र में कहा वो सवाल है ये सारे सवाल है क्या राकेश जी अब लग रहा है कि इसके बाद कल वापसी होगी किसानों की क्योंकि जिस तरह की बात चल रही है कि अब घर वापसी होगी घर वापसी होगी कौन कह रहे ये किसान कहीं ना जा रहा सरकार ने कहा नहीं अपने आप ही लग रहे ऊपर ऊपर से किसान कहाँ जा रहा है

और ये क्या पराली को लेकर सजा की बात कर रहे हैं कि पराली की जो सजा माफ की जाए जो जलाते हैं लोग उस पर क्या रहे? अरे बैठ के बात तो करे बात कर नहीं रहे बैठ के ऐसे ही अपने हवा में ही बात अपना कर रहे हैं आज उनतीस नवंबर को यहाँ से ट्रैक्टर मार्च निकलना था उसको अभी आपने स्थगित कर दिया आगे बढ़ा दिया ऐसे दिया चार तारीख को बातचीत करेंगे संयुक्त मोर्चा की मीटिंग में और उसके बाद में फिर आगे का डिसीजन लेंगे राकेश जी एक बात करेंगे लास्ट सवाल सिंगू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं कुछ पंजाब की यूनियन है वो घर लौटना चाह रही है ऐसा कुछ मामला आ रहा আমার নলিজ মতো অভি হয়নি আমার নলিজ মতো तो आंदोलन क्या अभी जारी रहेगा क्या आंदोलन जारी रहेगा बिल्कुल साफ तौर पे कहना है जब तक एमएसपी पे गारंटी नहीं होगी जब तक लिखा पढ़ी में नहीं दिया जाएगा तब तक किसान इसी तरीके से आंदोलन पर बैठे रहेंगे लगभग हम बात करें तो एक साल आंदोलन के हो चुके हैं किसानों के आंदोलन तो कहीं ना कहीं जो रोड बंद है उससे कहीं ना कहीं लोगों को समस्याएं हो रही है हालांकि इनका साफ तौर पर कहना है राकेश टिकैत का जब तक लिखा पढ़ी में नहीं दिया जाएगा तब तक इनकी घर वापसी नहीं होगी कैमरा मैन अमित के साथ विवेक नेटवर्क दिल्ली